राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में भारी बारिश आ रही है। भोपाल में भारी बारिश के चलते कलियासोत डैम के 2 गेट खोल लिए गए हैं। लगातार बारिश होने से भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। बड़े तालाब का फुल टैंक लेवल 1,666 सेंटीमीटर है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देखिए, अभी जो डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ था पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग के आसपास, वो अभी उत्तर पश्चिम की तरफ मूव हुआ है और सागर संभाग के आसपास ये बेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया। और साथ में लेकिन संभावना ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये फिर से और शक्तिशाली होकर डिप्रेशन के रूप में पुनः उभरेगा। और उसी के चलते हुए पिछले 24 घंटों की बात करें तो सागर में सबसे ज़्यादा 30 सेंटीमीटर और रायसेन में सबसे ज़्यादा 26 सेंटीमीटर, जबकि प्रदेश के लगभग लगभग सभी हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा, जबकि 8 जिलों में एक्सट्रीमली हैवी माने अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई है। और येलो अलर्ट वगैरह भी जारी किया गया है। आगामी 24 से 48 जो घंटे हैं उसके लिए ग्वालियर, चंबल, भोपाल, सागर इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, जहाँ अति भारी वर्षा माने 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा अधिक वर्षा, जबकि कुछ जिलों में जैसे निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, शिवपुर कला और विदिशा, रायसेन इन जिलों में रेड अलर्ट, जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेन माने 21 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश दर्ज हो सकती है।